हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज 30 जनवरी है, यानी शहीद दिवस। इसको हम मार्टियर्स डे के नाम से भी जानते हैं। आज हम सब के प्यारे बापू, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैंने आपको महात्मा गांधी जी की एक कहानी पहले भी सुनाई थी, मोहन, याद है आपको। तो आज आपको मोहनदास की एक और कहानी सिखाने वाली हूं। सत्य ही विजयी होता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों को यह संदेश बापू ने दिया। बापू जब स्कूल में पढ़ते थे वो बहुत ही शाय बच्चे थे। शाय यानी सबके साथ घुलते मिलते नहीं थे, जल्दी से दोस्त भी नहीं बनाते थे और थोड़ा डरे डरे रहते थे। लेकिन पढ़ाई में खूब मन लगाकर मेहनत करते। एक बार उनके स्कूल में इंस्पेक्शन था तो बाहर से इंस्पेक्टर्स आए। उन्होंने बच्चों को कुछ डिक्टेशन के वर्ड्स बोले। डिक्टेशन समझते हैं, जब टीचर आपको बोलती है कि मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, अब आप लिख कर दिखाओ। इसी तरह इंस्पेक्टर ने बच्चों की पढ़ाई की जांच करने के लिए कुछ वर्ड्स बोले। अब ये टीचर के लिए भी टेस्ट होता। मोहन ने 4 शब्द सही लिखे पर 5वां शब्द उनसे लिखा ना गया क्योंकि उसकी स्पेलिंग उन्हें याद ही नहीं आ रही थी। टीचर ने देखा कि अगर इसने गलत लिखा तो इंस्पेक्टर से बहुत डांट पड़ेगी। तो टीचर ने मोहनदास को इशारा किया कि तुम तुरंत देखकर इस शब्द को सही करो। पर मोहनदास तो मोहनदास थे, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह शब्द था केटल। हाँ बच्चों, केटल, जिसे हम हिंदी में केतली के नाम से जानते हैं, जिसमें चाय रखी जाती है। जब इंस्पेक्टर ने देखा तो उन्होंने मोहनदास को आगे अच्छी तरह पढ़कर तैयारी करने की हिदायत दी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद टीचर ने मोहन को डांटा, जब मैंने कहा था तो तुमने वो शब्द ठीक क्यों नहीं किया। तब मोहनदास ने कहा, आज अगर मैं ये शब्द आपके कहने से ठीक कर लेता तो सारे जीवन मुझे अपनी ये गलती याद न रहती और ये शिक्षा के साथ बेईमानी होती। और मैं ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करना चाहता हूँ और हमेशा सत्य का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। तब टीचर उनकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। तो थी ना अच्छी कहानी बच्चों। यही मोहनदास बड़े होकर फादर ऑफ द नेशन कहलाए, मोहनदास करमचंद गांधी। बच्चों, झूठ हम सभी कभी ना कभी जरूर बोलते हैं, पर याद रखना, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें अनेक झूठ का सहारा लेना पड़ता है और वो रास्ता हमेशा गलत की तरफ ले जाता है। जबकि सच बोलना और अपनी गलती को स्वीकार करना हमें सुधार की तरफ ले जाता है। इसलिए बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। और बापू की याद में आगे की हम कहानियां भी बापू के जीवन से जुड़ी हुई लाएंगे ताकि आप सभी सत्य और अहिंसा के मार्ग को समझ सके, उसके बारे में सोचें और अपनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।